हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू अगेन। मैं आलोक सर, आप लोगों को आज मैं डिबेट करने जा रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, देखो बच्चों, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है बायो का, और ही बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स है, इसे समझना भी चाहिए। इजी है, बहुत मज़ा आने वाला है, तो मैं ट्राई करता हूँ आपको इजी वे में इसे समझाने की। आपके डेस्कटॉप पे मैंने कुछ डायग्राम शो कर रखा है। पहला तो सेल देखो बेटा, यहाँ पे दो सेल मैंने शो किया। देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। देखो बेटा, यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, मैंने डिफ्रेंशिएट आपको कुछ वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा दिया है। ठीक है, इसमें बताया था कि यू यू का मतलब होता है वेल डेवलप, और कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन से। व्हाट आई एम से, कैरियन, कैरियन का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस। ओके, सिमिलरली मतलब क्या हो गया, वेल डेवलप न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ बेटा, कि वेल डेवलप न्यूक्लियस जो इनसाइड देख रहे हो सेल के अंदर, ये जो स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है परफोरेटेड, जिसमें बहुत सारे पोर्स हैं और कैरियोथिका से बाउंडेड है। दिस टाइप स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियस। मतलब अ सेल विच हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। सिमिलरली प्रो मतलब बेटा होता है बिगिनिंग। व्हाट आई एम से, बिगिनिंग। एंड कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन एंड न्यूक्लियस। तो बिगिनिंग न्यूक्लियस या प्रिमेटिव न्यूक्लियस। पर प्रोकैरियोटिक कैसा सेल है बेटा, प्रीमेटिव न्यूक्लियस जिसके पास है। इट हैव नो कैरियोथिका, नो बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल वगैरह वगैरह, ठीक है, एक्सेट्रा। सो देयर आर टू टाइप सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड सॉरी यूकैरियोटिक सेल हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड प्रोकैरियोटिक सेल हैव अनडेवलप्ड अन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियोइड। इट हैज न्यूक्लियोइड, ओके। बट बोथ सेल हैज अ सिमिलर, क्या, इट इज बाउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन। ये किससे बाउंडेड है बेटा, दे आर बाउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन। व्हाट आई एम से, दे आर बाउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन, राइट। ओके, हमें पढ़ना है इसी सेल। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, मजाक के तौर पे हम बोल सकते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर है, सीएम, सेल क्या होता है, सीएम, चीफ मिनिस्टर, जैसे वो अपने देश की रक्षा करते हैं, ठीक है, उसी तरह ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम है, और साइटोप्लाज्मा सॉरी सेल मेम्ब्रेन जो सीएम है, इसे भी क्या करेंगे, ये भी सेल की प्रोटेक्शन करते हैं, सेफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेटा, अगर इनको कट करके, यहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कट किया जाए, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ले जा करके विजिट किया जाए, तो हमें ऐसा लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। इट इज विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर जो ये बताया गया है, ये क्या कहा गया, फ्लूड मोजोइक मॉडल बोला गया, बर्गर मॉडल, ठीक है। इसको कौन सा मॉडल बोला गया है बेटा, इट इज नोन एज फ्लूड मोजोइक मॉडल। तो किसने फ्लूड मोजोइक मॉडल को बताया, हु विच साइंटिस्ट टेल द फ्लूड मोजोइक मॉडल इन ड्यूरिंग, ये टाइम पीरियड था बेटा इन 1972, सिंगर, व्हाट आई एम से, सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर इन 1972, सिंगर एंड निकोलसन सजेस्ट द मॉडल फ्लूड मोजोएक मॉडल। निकोलसन की स्पेलिंग क्या होगी, NICOLSON, निकोलसन। देयर आर टू ग्रेट साइंटिस्ट, सिंगर एंड निकोलसन, ड्यूरिंग 1972 प्रपोज द फ्लूड मोजोएक मॉडल। ओके, तो थोड़ा सा नॉलेज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी ले लें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, एंड वेयर इट इज फाउंड, कहाँ ये पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फाउंड इन एवरी लिविंग सेल, हर लिविंग सेल में होगा, चाहे वो
प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, दे आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ लिविंग सेल। ओके, एंड इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेटा हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन। व्हाट आई एम से टू यू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग मेम्ब्रेन। ओके, सो वी विल बी राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन एवरी लिविंग सेल, इट इज नोन एज लिविंग मेम्ब्रेन। व्हाट आई एम से, इट इज नोन एज इट इज नोन एज सेमी परमेबल या सेलेक्टिव परमेबल। इट इज नोन एज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। व्हाई आई एम से दैट इट इज अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, तो देखो बेटा बहुत सारे लेयर्स होते हैं और ये कई वीडियो लेक्चर्स में मैंने बात भी किया कि परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, एंड देर आर फोर टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, परमेबल, सेलेक्टिव परमेबल, सेमी परमेबल एंड इम्परमेबल। ओके, परमेबल में सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को अलाउ करता है वो मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमेबल में बेटा क्या होता है कि ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को अलाउ करता है, ठीक है, सेलेक्ट करता है जो यूजफुल है, ठीक है। सेमी परमेबल में वाटर मॉलिक्यूल और सेलेक्टिव परमेबल में सेलेक्ट करता है दोनों को, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को अलाउ करेगा बट जो यूजफुल होंगे, इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को, और जो इम्परमेबल है ये बेटा ये किसी को आने जाने नहीं देता है। ओके, तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक साल्ट, शुगर, ऑक्सीजन, ठीक है, CO2 गैसों का भी ये आने जाने देगा, इन एंड आउट सेल से होने देगा। ओके राइट, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल। क्या पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ईच सेल का। एंड सेकेंड पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो बेटा, फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया इट इज अ आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द ईच सेल, बट प्लांट सेल में सेकेंड आउटर हो जाएगा क्योंकि आउटर कवरिंग किसकी हो जाती है, सेल वॉल की जो डेड होता है, और एनिमल सेल में आउटर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज लिविंग, मैंने सेकेंड पॉइंट बताया कि ये क्या होते हैं बेटा, इट इज अ लिविंग थिन डेलिकेटेड इलास्टिक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। थर्ड पॉइंट मैंने ये बताया इसकी थिकनेस को लेके, जो इसकी थिकनेस होगी वो कितने एंगस्ट्रॉम के बराबर है, तो 17 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो बने हैं बेटा, ये जो देख रहे हो इसमें देखो, हेड एंड टेल के फॉर्म में आप जब ड्रॉ करोगे कॉपी में तो ऐसे हेड बनाना, ये बायो बाई क्या कहलाएगा, बाई स्पिड लेयर, लिपिड लेयर, बाई फॉस्फो लिपिड लेयर है ये जो बना रहा हूं बेटा, टेल है, और जो सर्कल सर्कल बनाया मैंने वो हेड बनाया था, तो इसमें लिखते भी हैं इट इज अ टेल एंड इट इज अ हेड। और दो प्रोटीन्स, एक इंट्रेंसिक प्रोटीन होता है जो इन होता है, और एक प्रोटीन जो होगा इनके सरफेस पे अटैच होगा, तो जो इन इन होगा बेटा उसको इंट्रेंसिक प्रोटीन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, नाम मैं बोल रहा हूं, INTRINSIC, इंट्रेंसिक प्रोटीन। और जो आउटर सरफेस पे है बेटा इसे बोला जाएगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन एंड बाई फॉस्फोड लिपिड लेयर, कौन सी, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, मतलब इसमें बाई लिपिड के फॉस्फोलिपिड लेयर्स मिलते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात कर लें कि जो इनके मैकेनिज्म है, जो फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन का क्या योग या क्या यूजफुल हो, तो पहला फंक्शन की अगर बात करें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का,
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फर्स्ट फंक्शन होगा बेटा, जस्ट मिनट, हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फर्स्ट अगर फंक्शन की बात करें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो फर्स्ट फंक्शन होगा बेटा इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल। ये सेल को क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल। ओके सेकेंड पॉइंट होगा इट इज अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, सो इट इज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन सो इट रेगुलेट द मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल, सो इट रेगुलेट द मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, आने और जाने देगा। ठीक है, आफ्टर दैट इनटेक मटेरियल बाय द सेल इज कॉल्ड, मतलब ये मेन काम है इनका, और इसी के बेस पे, फ्लुएंसी के बेस पे दो प्रोसेस आते हैं बेटा, जो हम मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जब पढ़ेंगे तो अगले वीडियो लेक्चर्स में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या क्या मूव कराता है, तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कब बोलेंगे, पिनेकोसाइटोसिस कब बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस कब बोलेंगे, ये हमें जानना अगले लेक्चर वीडियो लेक्चर्स में आप जरूर सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वॉच माई वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टूड वेरी वेल, क्या व्हाट आई एम से टू यू, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, पिनेकोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड एक्सेट्रा। ओके टेक केयर एंड बाय।